चलिए समझते हैं कि किसी किसी महिला को आखिर बच्चा क्यों नहीं पैदा होता है। तो देखिए, जहाँ बच्चा बनता है, जहाँ बच्चा पलता है, उसे हम यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटेरस कहते हैं। हो गया हमारा यूट्रस। यहाँ से देखिए होता है फिलिपियन ट्यूब। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फिलिपियन ट्यूब कहते हैं। ये हो गया फिलिपियन ट्यूब। देखिए, जो महिलाएँ होती हैं ना, तो महिलाओं में कितना ओवरी होता है? महिलाओं में कितना ओवरी होता है? तो महिलाओं में दो ओवरी होता है। एक ये वाला ओवरी हो गया और ये वाला ओवरी हो गया। यानी महिलाओं में दो ओवरी होते हैं। लेकिन देखिए, जो ओवरी होता है ना, अगर हाई वाला ओवरी काम करेगा तो हाई वाला बंद हो जाएगा, और ई वाला काम करेगा तो ई वाला बंद हो जाएगा। यानी क्या होते हैं, पारी पारी से दोनों लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। और इन दोनों में 28 दिन का गैप होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का गैप होता है। लेकिन अगर आपका स्पर्म, यानी मान लीजिए जो संबंध बनाते हैं, तो स्पर्म यहाँ से इसे जाता है। तो देखिए, जैसे आर्मी का रेस होता है, आर्मी के रेस में एक के साथ 1,000 लोग 2,000 लोग दौड़ते हैं, लेकिन उसमें से एक ही बच्चा सबसे पहले आता है। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ इसमें होता है। अब यहाँ से मान लीजिए स्पर्म जा रहा है, स्पर्म जाएगा तो कुछ स्पर्म यहीं पर मर जाते हैं, कुछ स्पर्म यहाँ पर जाने के बाद मर जाते हैं। यानी 70% स्पर्म इधर उधर क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। और 7 ml से कम रहेगा तो ये क्या हो, ओवरी तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए 7 ml का स्पर्म होना जरूरी है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। अगर 15 million से अगर आपका स्पर्म अगर कम होता है, यानी आपका 15 million या 1.5 crore के शुक्राणु कम रहते हैं, तो बच्चा नहीं पैदा होगा। अगर 20 million तक आपके शुक्राणु हैं, लेकिन वो भी बढ़िया से, जैसे आपका शरीर स्वस्थ है, आपका स्पर्म मजबूत है, तो 20 million तक अगर चले जाते हैं शुक्राणु, तभी बच्चा पैदा होता है। लेकिन 15 million से अगर कम रहेगा शुक्राणु, तो बच्चा नहीं पैदा हो पाता है, क्योंकि यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा, तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा। तो देखिए, यहाँ से जब जाता है ना, कुछ यहाँ पर मर जाते हैं और कुछ यहाँ पर मर जाते हैं। तो 7 ml का स्पर्म होना जरूरी है। अब देखिए, इन दोनों में गैप कैसे होता है? तो देखिए, यहाँ पर जो होता है ना, ये 7 दिन में बनता है। जैसे अगर किसी महिला का पीरियड 1 तारीख को आ गया, तो क्या होता है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये क्या करता है, बनता है। इसमें क्या करता है, इसका जो ओवम होता है, ये क्या होता है, बनता है। अब 7 तारीख के, अगर 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में अगर स्पर्म चला जाएगा, तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब यह बन रहा है तो ये बच्चे को कहाँ से बनाएगा। तो 1 से लेकर 7 तारीख तक अगर हमारा स्पर्म चला जाता है, तो बच्चा नहीं बनता। लेकिन ये अगले हफ्ते का इंतज़ार करता है, यानी 7 दिन 7 दिन, यानी 14 दिन का क्या करता है, ये इंतज़ार करता है। लेकिन अगर इस 14 दिन में अगर स्पर्म चला गया, तो श्योर है बच्चा पैदा हो जाता है। क्या होता है, बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन अगर इसमें भी नहीं पहुंच पाया, तो जो अगला 7 दिन आएगा ना, तो ये क्या होता है, ये खराब हो जाता है ओवम, और पीरियड के रास्ते से क्या होता है, ये बाहर चला जाता है। यानी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये बनता है, और उस पर स्पर्म जाएगा तो बच्चा नहीं पैदा होगा। लेकिन जो ये होता है, अगले 14 दिन का इंतज़ार करता है, अगर 14 दिन के भीतर अगर चला जाएगा स्पर्म, तो क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब 21 तारीख आ जाता है, देखिए 7, 7, 14, 7, 1, 21, लेकिन जब 21 दिन पूरा हो जाता है और इसमें अगर स्पर्म नहीं गया, तो पीरियड के रास्ते से क्या होता है, बाहर चला आता है। जैसे समझिए, मान लीजिए अगर किसी महिला का अगर पीरियड 2 तारीख को आ गया, तो 9 तारीख तक क्या होता है, वो ओभम बनता है। जैसे क्या होता है, ये ओभम बनता है। जैसे क्या होता है, ये ओभम मान लीजिए बनता है। अब ये बनता है 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक क्या होगा, ये ओभम बनेगा। और जब ये बनेगा, अगर उस पर स्पर्म चला जाएगा, यानी स्पर्म चला जाएगा, तो बच्चा नहीं पैदा होगा, क्योंकि जब ये बन रहा है भैया, तो दूसरे को कैसे पैदा करेगा, तो बच्चा नहीं पैदा करेगा। लेकिन जब अगला हफ्ता आएगा 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, और 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, यानी 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, लेकिन अगर इस बीच में, इन दोनों अवधि में अगर स्पर्म चला जाता है, तो ओवम में तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है, और बच्चा श्योर है कि इस दोनों में चला जाएगा, तो क्या होगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन जब 23 तारीख के अगर बाद होता है, अब 23 तारीख के बाद से अगर स्पर्म जाएगा ना, तो ओवम हो जाता है ख़राब। और जब ओवम खराब हो जाएगा, तो बच्चा का ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, जिससे बच्चा नहीं पैदा होता है। तो क्या होता है, इन दोनों में 28 दिन का गैप होता है। पहला तो 7 दिन तक ये बनेगा, 7 दिन में स्पर्म जाएगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बनता है। और ये 15 दिन का क्या करता है, इंतजार करता है। अगर 15 दिन में स्पर्म जाके इसमें मिल जाता है, तब बच्चा पैदा होता है। लेकिन कब, 7 ml से स्पर्म कम रहेगा, तभी बच्चा नहीं पैदा होगा। लेकिन जब 21 दिन आता है, तो हो जाता है खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है, और पीरियड के रास्ते से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया?
तो क्या होता है, 7 ml का स्पर्म होना जरूरी है। लेकिन देखिए स्पर्म दो तरह से होता है, एक होता है ऐसा पूंछ वाला स्पर्म होता है, ऐसा पूंछ लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं माइक्रोकांड्रिया कहते हैं। अगर यही वाला स्पर्म रहेगा तभी बच्चा पैदा होगा, अगर हाई वाला उसे स्पर्म रहेगा ना तो बच्चा नहीं पैदा होता है। यानी पूंछ वाला स्पर्म रहेगा जो पिल्ला का पूंछ है, अगर ये वाला रहेगा इसे माइक्रोकांड्रिया कहते हैं तब क्या होता है बच्चा पैदा होता है, अगर हाई वाला रहेगा तो बच्चा नहीं पैदा होता। देखिए महिलाओं में क्या कमी हो जाता है, महिलाओं में ओवरी तो होता है, महिलाओं का तो ओवरी तो होता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन सब में ओवम ही नहीं बन पाता, और जब ओवम बनेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा भी नहीं पैदा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चा कभी कभी पैदा क्यों नहीं होता है। आई होप समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।